हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो पहुंच चुकी है हमारे शहर में रॉयल एनफील्ड की सबसे लेटेस्ट, सबसे कॉम्पैक्ट, सबसे स्टाइलिश और सबसे डिफरेंट मोटरसाइकिल, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। और मेरे पास है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट हंटर 350 रिबेल का ब्लैक एडिशन। और मैं आज आपको फुल डिटेल में इसका वॉक अराउंड दूंगा, हर तरफ से देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हमको मिलते हैं। तो आइए जल्दी से बाइक पर चलते हैं। तो हम लोग फ्रंट से स्टार्टिंग करेंगे। तो आगे आपको इसमें मिलता है 110 मिलीमीटर चौड़ा टायर जो 17 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील पे आएगा, जो ऑल ब्लैक है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिलती है। इसमें आपको मिलती है बड़ी डिस्क, ABS लगा हुआ मिलेगा, बाइब्रे के आपको डिस्क पैड्स मिलेंगे इसमें। टायर इसमें रॉयल एनफील्ड ने दिया है C8 का, और ये टायर आपको मिलेगा ट्यूबलेस। देखेंगे फ्रंट फेंडर को, तो जो फ्रंट फेंडर है इसमें आपको फाइबर का मिलता है। तो जो लोहा बोलते हैं रॉयल एनफील्ड को, अब लोहा नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा फाइबर मिक्स हो गया है। अब हम लोग फ्रंट में ही हैं तो इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं डुअल फ्रंट फोक्स, और इसका जो ट्रैवल है वो 41 मिलीमीटर का आपको मिलेगा। सस्पेंशन के ऊपर आपको यहाँ पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर लगे हुए मिलेंगे, ऑल ब्लैक कलर के सस्पेंशन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चैसी इसमें आपको मिलता है ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम जो बाइक को लाइट वेट बनाता है, और हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी होगी। इंजन की बात करेंगे तो इसमें आपको 350 cc का मीट्योर वाला इंजन मिलता है जो रॉयल एनफील्ड ने जे सीरीज़ के नाम से निकाला है। ये इंजन जनरेट करेगा 20.2 BHP की पावर, और इसमें आपको मिलेगा 27 Nm का टॉर्क। एयर कूल्ड इंजन है, फिन्स लगे हुए आपको इसमें दिख रहे होंगे, मगर ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। BS6 के बाद सारी गाड़ियाँ फ्यूल इंजेक्टेड हो गई हैं। ऑल ब्लैक कलर का मिलता है, इंजन भी देखने में बाइक के लुक के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है। इसी साइड प्रोफाइल में बात करेंगे हम लोग एग्जॉस्ट की। तो एग्जॉस्ट का मफलर जो रॉयल एनफील्ड ने आपकी बार इसमें दिया है, उसके ऊपर कवर भी जो लगा है वो मेटल का ही लगा हुआ है, और स्पोर्टी है, छोटा है, बहुत ही क्यूट सा लगता है, इस बाइक के रोडस्टर लुक के साथ परफेक्टली मैच होता है। इसके बाद आपको इसमें राइट हैंड साइड पर ब्रेक मिलेगा, इसके ऊपर की रबर इस बार रॉयल एनफील्ड ने बचा ली है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको फुटरेस्ट मिलेंगे, और ये है आपका रियर फुटरेस्ट। चलेंगे पीछे की तरफ, तो रियर में आपको मिलते हैं स्प्रिंग सस्पेंशन जो एडजस्टेबल भी है, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। पीछे का टायर इसमें आपको चौड़ा मिलता है, 140 मिलीमीटर चौड़ा है, मगर एलॉय व्हील आपको वही मल्टी स्पोक मिलेगी, ब्लैक कलर की है और 17 इंच की है। पीछे जो इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 270 मिलीमीटर का मिलेगा, और ये भी ABS के साथ है, तो डुअल चैनल ABS बाइक है ये। बात करेंगे सीट के नीचे के साइड पैनल के कवर की, तो ये आपको फाइबर का मिलता है, मगर इसमें बहुत ही खूबसूरत सा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का स्टिकर लगा हुआ हमको यहाँ पर मिलेगा। चलते हैं सीट की तरफ। तो सीट आपको इसमें सिंगल मिलती है, काफ़ी बढ़िया इसमें कवर लगा रखा है, परफोरेशन है, और सॉफ्टनेस भी एडिक्वेट है, फोम इसमें ठीक ठाक लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। सीट के पीछे भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। जो स्प्लिट ग्रैब रेल्स इस बार दिए हुए हैं, स्प्लिट हैं, स्पोर्टी है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे इसके हैंडल बार की, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार मिलती है, काफ़ी चौड़ी है। राइट हैंड साइड पे आपको ऑफ कोर्स रेस मिलेगी, एक्सेलेरेटर मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलेगा, रोटरी आता है, जो पहले मीटियोर से स्टार्टिंग हुई थी वही चीज़ यहाँ पर दी है आपको। और उसके नीचे आपको इसमें हज़ार्ड लाइट का स्विच मिलेगा, जिसको अगर आप ऑन कर देंगे तो चारों इंडिकेटर्स जलने लगेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक। चलेंगे दूसरी तरफ, दूसरी साइड भी आपको एक रोटरी स्विच मिलता है, लो बीम, हाई बीम और पास का स्विच मिलता है, उसके नीचे लेफ्ट राइट इंडिकेटर का स्विच, और नीचे से हॉर्न है, देखते हैं अभी हम लोग हॉर्न की साउंड कैसी है। और इसी में आपको फ्रंट में एक छोटा सा लीवर मिलेगा, जिसको अगर आप दबाएंगे तो इसके डिजिटल मीटर में ओडो ट्रिप और ट्रिप बी ट्रिप एफ ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मिलता है क्लच लीवर, और इसी व्यू में हम लोग मिरर्स की भी बात कर लेते हैं। शीशे इसमें आपको वही गोल मिलते हैं, बिल्कुल आपके रेट्रो लुक में आते हैं, और मुझे तो गोल मिरर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब जब हम लोग आगे की तरफ आ गए हैं तो चलिए जल्दी से इसका डिजिटल एनालॉग मीटर देख लेते हैं। बीच का पोर्शन जो है इसमें आपको मिलेगा डिजिटल, और बाहर का पोर्शन आपको मिलेगा एनालॉग, जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है माइल पर आवर में और किलोमीटर पर आवर में, दोनों में आपको इसमें डिजिट्स मिल जाएंगी। और नीचे आपको लो फ्यूल वार्निंग लाइट, बैटरी, ABS, न्यूट्रल का इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन मिलेगा, और लेफ्ट राइट इंडिकेटर, और इसके साथ हज़ार्ड जब ऑन करेंगे
तो दोनों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करते हुए मिलेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तब हमको ये इंजन चेक वार्निंग लाइट यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं हम लोग जल्दी से स्ट्रिप मीटर की। इसमें आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा और फ्यूल गेज गोल है, उसके बाद ट्रिप का जैसा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ओडोमीटर आगे कितना आपने चला लिया है ट्रिप पे, 1.9 किलोमीटर ट्रिप बी, और उसके बाद ट्रिप एफ। इसमें आपको गियर का इंडिकेशन भी दिखाई देता है, और जब आप ऑन करेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी जिसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेम्परेचर का इंडिकेटर भी दिखाई दे रहा था। बात करेंगे इसकी हेडलाइट की और टेल लाइट की। फ्रंट में आप देख रहे होंगे इसमें आपको रेट्रो लुक के साथ हेडलाइट मिलती है, वही हेलोजन बल्ब मिलेगा आपको इसमें, एक नीचे पोजिशन लैम्प मिलता है, और मैं इसकी हाई बीम और लो बीम भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, शायद आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। इंडिकेटर्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन मिलते हैं, मगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जब आप एक्सेसरीज पैक परचेस करते हैं तो आप इसके इंडिकेटर्स चेंज करा के एलईडी लगा सकते हैं। टेल लाइट की तरफ चलेंगे, पीछे आपको यहाँ पर एक मॉडर्न एलईडी टेल लाइट मिलती है, गोल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वही दोनों साइड में हेलोजन इंडिकेटर्स। और प्राइस के बारे में अगर बात ना करें तो वीडियो कभी भी पूरी नहीं होती। तो मेट्रो रिबेल में तीन कलर आते हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड कस्टम। ये ब्लैक आपके सामने खड़ा हुआ है। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,68,900 रुपये, रोड टैक्स 16,500 का, और इंश्योरेंस भी लगभग 10,600 के आसपास। तो ऑन रोड प्राइस इसकी आती है 1,96,000 के आसपास आती है। और अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस 10,600 का हटा के नील टैप इंश्योरेंस लेंगे तो वो लगभग 14,200 का बैठेगा। आप एक्सीडेंट वारंटी भी ले सकते हैं, लगभग 6,000 रुपये की है। तो ये लगा के ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी लगभग 2,05,600 रुपये के आसपास। अपने शहर में आप ऑन रोड प्राइस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक्सेसरी का पैक भी मिलता है, जिसमें आप लेग गार्ड और इसके ऊपर एक छोटा सा वाइजर लगा हुआ होता है वो, और काफ़ी एक्सेसरीज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वो जब आप बाइक खरीदने आएंगे, शोरूम पर आएंगे, तब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आइए इसके हॉर्न की साउंड भी एक बार चेक कर लेते हैं। हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल में रॉयल एनफील्ड की नई स्टाइलिश लेटेस्ट लॉन्च हंटर 350 के टॉप मोस्ट वेरिएंट का, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये बाइक कैसी लगी लुक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रॉयल एनफील्ड ने इस बार कोशिश करी है बिल्कुल डिफरेंट ऑफर करने की, अपने सेगमेंट से जो रेगुलर उनकी ऑफरिंग्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हटके उन्होंने बाइक बनाई है। तो आपको इनकी ये कोशिश कैसी लगी? अफोर्डेबल भी है, स्टाइलिश भी है, मॉडर्न भी है, और साथ साथ रेट्रो भी है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।